महाराष्ट्र में कोरोना के 5,134 केस, 24 घंटे में 224 की मौत। मुंबई में अब कोई भी करवा सकता है कोरोना टेस्ट, बीएमसी की नई गाइडलाइन में डॉक्टर की पर्ची जरूरी नहीं। आदित्य ठाकरे ने कहा इससे नागरिक सुरक्षित महसूस करेंगे और शंका भी फौरन दूर होगी, टेस्ट के नतीजे पहले बीएमसी को भेजेगी लेबोरेटरी। धारावी के नतीजों से उत्साहित बीएमसी, आज धारावी में कोरोना का सिर्फ एक केस, इस समय धारावी के 352 एक्टिव केस। पुणे में कोरोना टेस्टिंग के लिए नई मशीन लॉन्च, एक घंटे में कर सकेगी 32 सैंपल की जांच। जलगांव में आज कोरोना के 217 केस आए, 293 की हो चुकी मौत, जलगांव में मृत्यु दर करीब 6%। वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे के 872 कर्मचारी और उनके घरवाले कोरोना से संक्रमित हुए, 86 की हो चुकी मौत। फिलहाल एसेंशियल कर्मचारियों के लिए लोकल मालगाड़ी और कुछ स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, रेलवे का लगभग 100% स्टाफ काम कर रहा है। मुंबई में मार्च से अब तक 15 लाख से ज्यादा लोगों को किया जा चुका है क्वारंटीन, इनमें करीब 5.25 लाख लोग थे हाई रिस्क कॉन्टेक्ट। मुंबई में अब तक सील हुई करीब 6,552 बिल्डिंग और 750 से ज्यादा स्लम और चौल को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। महाराष्ट्र में अनलॉक 2 में और रियायतों की बारी, कल से खुलेंगे होटल। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने की सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात, कल उद्धव से मिले थे शरद पवार। एनसीपी और शिवसेना के बीच पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर समेत कई मुद्दे पर चल रही है तनातनी, हालांकि बाद में गृह मंत्री ने कैंसिल कर दिए गए थे ट्रांसफर। मुंबई और आसपास के इलाकों में आज भी जोरदार बारिश, कई सड़कों पर लगा जाम। मुंबई ठाणे और नवी मुंबई में कई जगहों पर जलभराव, नवी मुंबई में पेड़ गिरने से एक की मौत। अभिनेता सुशांत सिंह खुदकुशी केस में पुलिस ने बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज कब्जे में किया, फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। मुंबई पुलिस के मुताबिक तारीखों की समस्या के चलते संजय लीला भंसाली की फिल्म में काम नहीं कर पाए थे सुशांत, भंसाली से कल हुई थी पूछताछ। महाराष्ट्र के वाशिम में पेट्रोल डीजल की महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन, एनसीपी ने निकाला बैलगाड़ी मार्च। महाराष्ट्र के बारामती में बस में लगी आग, बाल बाल बचे यात्री। 182 अंकों की बढ़त के साथ 36,674 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में 36 अंकों की बढ़ोतरी। मौजूदा और अगले कारोबारी साल तक बैंकों के 4.21 लाख करोड़ रुपए के लोन फंसने की आशंका, इंडिया रेटिंग्स ने कहा एनपीए में होगा बड़ा इजाफा। केनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाद अब एचडीएफसी ने भी लोन की ब्याज दरों में की कटौती, 7 जुलाई से 7.65% की जगह 7.45% होगी दर। 5G नेटवर्क में बड़े निवेश की तैयारी में एशिया की कई मोबाइल कंपनियां, जीएसएमए ने 5 साल में 24.7 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान जताया। ओयो के कर्मचारियों को मिलेगा ESOPS, 130 करोड़ रुपए होगी वैल्यू। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के इंस्टाग्राम पर 50 मिलियन फॉलोअर हुए जाहिर की खुशी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।